Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about biotechnology courses in IIT Guwahati Assam through GATE. अगर आप लोग आईआईटी गुवाहाटी से अपना कोई भी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करें क्योंकि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा उन सभी पॉइंट्स को आप लोग स्किप कर देंगे अगर आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं देखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सभी बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में जो हमारे ऑपरेट होते हैं आईआईटी गुवाहाटी में। और यहाँ का जो बीएसबी डिपार्टमेंट है, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है सभी आईआईटी के साथ में अगर हम लोग उसका कंपेरिजन करें। और यहाँ से अगर आप लोग कोई भी अपना बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे ये जो आईआईटी है आप लोगों को बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर करती है, और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स जो है आप लोग यहां से अगर आप लोगों ने आईआईटी जेई और आईआईटी जो आईआईटी जेई मेंस एग्जाम सॉरी और अगर आप लोगों ने आईआईटी जेई एडवांस एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये दो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग यहां से बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। और आप लोगों का जो 12th क्लास है वो आप लोगों का 12th क्लास आप लोग जानते ही होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां से बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, आप लोग यहां से एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं जो यहां का बीएसबी डिपार्टमेंट है। तो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी आप लोगों को ये जो आईआईटी है ये ऑफर करती है। और जैसे जो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है वो आप लोग यहाँ से अगर आप लोगों ने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम क्वालिफाई किया है, अगर आप लोगों ने गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सॉरी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फर्दर एमटेक कोर्स के लिए। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं एमटेक के लिए अगर हम लोग उनका कंपेरिजन करें अदर आईआईटी से। और यहाँ पे आप लोगों को कोर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स मिलता है, आप लोगों को कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच यहाँ पे नहीं मिलती, कोर आप लोगों को यहाँ पे एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स मिल जाएगा और आप लोग अपना एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स यहाँ से कर सकते हैं थ्रू गेट लाइफ साइंस एग्जाम और थ्रू गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। और आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा इस फील्ड में। और मैंने यहाँ पे 2 मंथ की अपनी ट्रेनिंग की थी, उस ट्रेनिंग में मैंने यहाँ पे वर्क किया था जब मैं अपना बैचलर कोर्स कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग माय बैचलर कोर्स। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही यहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है और सभी जो फैकल्टी मेंबर हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत ही हेल्प करते हैं वो लोग और आप लोगों को सिखाते हैं और आप लोगों को बहुत ही सीखने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आप लोग इस आईआईटी से अपना एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा बीएसबी डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स, सभी फैकल्टी यहाँ की बहुत हेल्पफुल है, सभी फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छे हैं, आप लोग यहाँ से अपना एमटेक कोर्स कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर गेट। तो अब हम लोग बात करते हैं पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की, आप लोग यहाँ से पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए आप लोगों के पास में कोई भी एक फेलोशिप होना जरूरी है, लाइक CSIR-NET, DBT, JRM, ICMR, ICAR, कोई भी एक फेलोशिप आप लोगों के पास में होना जरूरी है, कोई भी आप लोगों का एक SRF या JRF जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना जरूरी है, तब आप लोग यहाँ पे पीएचडी के लिए फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग अपना पीएचडी यहाँ से कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे पीएचडी में जो प्रोफेसर है वो आप लोगों को देगा और आप लोगों को फर्दर उस पर अपना रिसर्च वर्क यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की। और यहाँ पे और भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं या एनवायरमेंटल में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे सेंटर फॉर द एनवायरमेंट है, एक अलग ही डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर द एनवायरमेंट में भी आप लोग सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं फॉर
पीएचडी कोर्स आप और आप लोगों को यहाँ पे एनवायरमेंटल में पीएचडी मिलेगा, आप लोग यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंसेज में पीएचडी कर सकते हैं सेंटर फॉर द एनवायरमेंट से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात होगी इंटरडिसिप्लिनरी की। अब हम लोग बात करते हैं नैनो बायोटेक्नोलॉजी की। नैनो बायोटेक्नोलॉजी पे भी यहाँ पे बहुत वर्क होता है और नैनो बायोटेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट है और नैनो बायोटेक में भी आप लोग जा सकते हैं और फर्दर अपना पीएचडी कोर्स कर सकते हैं, अपना मास्टर कोर्स वहाँ पे भी आप लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। और बीएसबीई से अलग हमारे ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे सेंटर फॉर द एनवायरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप लोग यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं और अगर आप लोग यहाँ से अपना कोई भी कोर्स करना चाहते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो अगर आप लोगों ने आप लोगों के पास में सीएसआईआर नेट आप लोगों का क्वालिफाई नहीं है, आप लोगों का डीबीटी जेआरएफ या आप लोगों का कोई भी एसआरएफ जेआरएफ फेलोशिप आप लोगों के पास नहीं है और आप लोगों का ओनली जो गेट एग्जाम है, भले ही आप लोगों ने लाइफ साइंसेज स्ट्रीम से क्वालिफाई कर रखा हो, भले ही आप लोगों ने वो एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से क्वालिफाई कर रखा हो गेट का, ठीक है, उस स्कोर के थ्रू भी गेट लाइफ साइंसेज स्कोर के थ्रू भी गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के स्कोर के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी और जो कोर डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का उसमें भी। और आप लोगों को अगर आप लोगों ने अपना बैचलर कोर्स किया है डायरेक्ट पीएचडी भी आप लोगों को यहाँ पे करने को मिल सकता है, ठीक है, गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के थ्रू और गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के थ्रू। तो आप लोग गेट के बाद में और अपने बैचलर कोर्स के बाद में जैसे कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद में या बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बाद में या बीटेक जो आप लोगों का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स होता है, इन सभी कोर्सेज के बारे में और बाद में सॉरी, और अगर आप लोगों ने अपना कोई भी गेट जैसे कि गेट लाइफ साइंसेज और गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करें पीएचडी के लिए, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे पीएचडी मिलती है आफ्टर कंप्लीट योर बैचलर कोर्स। सो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी भी रिलेटेड कोर्स में जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें और आप लोगों को यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सीखने, आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ में, जिसका लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराता हूं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ में और आप लोग वहां पे अपनी जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं, जो आप लोगों के डाउट्स होते हैं, वो आप लोग वहां पे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो चिकीज बायोलॉजी पे आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में चला जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।